हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक। आज की वीडियो में होगी दो चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको रिव्यू एंड डेमो दिखाऊंगी मेबिलिन फिट मी मैट प्लस पॉलेस कॉम्पैक्ट पाउडर का, एंड उसके बाद होगा पिलो टॉक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ आपको पॉजिटिविटी का डोज देती हूं, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूं जिससे आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम प्रोडक्ट को क्लोजअप में देख लेते हैं। ये है मेबिलिन फिट मी मैट प्लस पोलेस पाउडर, और इसका शेड आपने देखा 230 है। इसकी MRP 199 रुपीज़ है। ये है इसके क्लेम्स, और इसकी क्वांटिटी है 8 grams। एक्सपायरी डेट है 16 सितंबर 2022 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है इंग्रेडिएंट्स। अब हम पैकेजिंग को देख लेते हैं तो काफ़ी क्लासी है, और यहाँ पे भी सारी डिटेल्स हमें दी गई है। अब इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। नॉर्मली सभी कॉम्पैक्ट पाउडर में होता है एक अच्छा सा ठीक ठाक सा मिरर है, एक स्पंज है यानी कि एप्लीकेटर है वो भी ठीक ठाक सा है, एक प्लास्टिक की फिल्म है, और अंदर देखोगे तो ये प्रोडक्ट है। अब आप मेरे नायका हॉल में आपने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो ये मेरी स्किन पे डार्क है कि नहीं है वे आगे हम डेमो में देख लेंगे, तब पता चल जाएगा। आपने देखा डेमो फिट मी मैट प्लस पोलेस कॉम्पैक्ट पाउडर का, और अभी भी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं मैंने आपको जो डेमो दिखाया उसके बाद मैंने मेरे फेस पे सिर्फ ब्राउज फिल करी है, लाइनर अप्लाई की, काजल अप्लाई की है, एंड मैंने ये न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की है, दैट्स इट। आप देख सकते हैं ना मैंने कॉन्टोरिंग की है, ना हाईलाइटिंग की है, और ना ही मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, ना ही फाउंडेशन लगाया है, ना ही हाइलाइटर, मतलब कुछ भी नहीं। देखो सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और बाकी का आप मेकअप लुक देख रहे हो। तो आप देख रहे हो मेरे ना लाइट डार्क सर्कल्स है, तो वो भी आपने डेमो में देखा होगा, अच्छे से इसने कवर कर दिया है। और मेरा ना हम मोस्टली इंडियन गर्ल्स का होता है यहाँ पे कि माउथ एरिया में थोड़ा सा हमारा डिस्कलरेशन होता ही होता है, बट देखो मुझे कुछ भी ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है। आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में लिखा भी था कि महक अरे ये तो बहुत डार्क होगा आपके स्किन टोन के लिए, ये तो काफ़ी डार्क दिख रहा है। तो ये दिखने में ना बहुत ज़्यादा डार्क है, बट वो एक्चुअली जब स्किन पे आप अप्लाई करोगे तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये डार्क है, या मुझे टैन दिखा रहा है, या मुझे कहीं वाइट दिखा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ये इतना बारीक है, इतना बारीक है, ये बहुत बारीक है, ट्रस्ट मी। इसकी फ्रेग्रेंस तो इतनी माइल्ड है कि मैं मतलब इतना कर दूँ ना तो ही स्मेल आती है। पैकेजिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लाइटली फ्लिम्जी है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक की टाइप है, हल्की थोड़ी सी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का लग रहा है, बट टूटेगा या वैसा नहीं लग रहा है। मिरर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, पफ है, स्पंज है वो भी ठीक ठाक सा है जो जनरली सभी कॉम्पैक्ट पाउडर में आता है, तो कुछ नया नहीं है। ब्यूटी स्पंज नहीं खरीदना है तो आप इसे वेट करके फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, इसे बेंड करके आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का है, ये काम आ सकता है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर की MRP है 199 रुपीज़, लेकिन आपको नायका पे एंड अमेज़ॉन पे ये डिस्काउंट पे मिलेगा, क्योंकि मैंने ही नायका से कुछ 139 या 140 का लिया हुआ है। कवरेज आप देख रहे हैं
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके जो क्लेम्स है कि अप टू 12 आवर्स ऑयल कंट्रोल पाउडर, तो आई डाउट 12 आवर्स तक तो कोई पाउडर नहीं टिकता है जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो 4-5 घंटे हो जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा टचअप तो करना ही पड़ता है। फिटिंग पिगमेंट्स ब्लेंड इन विथ नेचुरल स्किन टोन, तो आप देख ही रहे हो जैसे ये मेरा नेचुरल स्किन टोन है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तो ये बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, तो ये क्लेम पे भी ये खरा उतरा है। सन प्रोटेक्शन SPF 28 PA++++। तो मैं अब ये नहीं कहूँगी कि आपको सन प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ये कॉम्पैक्ट पाउडर से आपका काम हो जाएगा, नहीं, आप जब भी बाहर निकल रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन तो अप्लाई करना ही करना है, बट अगर आप मेकअप कर रहे हैं और ये कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया है आपने, तो अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया है ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करोगे ना सनस्क्रीन पर तो भी बहुत अच्छे से मैटिफाई हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप वर्किंग हो, मेरे ख्याल से ये सबको काफ़ी अफोर्डेबल लगेगा और सबके बजट में ये आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई फिट मी मैट प्लस पोलेस कॉम्पैक्ट पाउडर से। मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी Maybelline फिट मी मैट प्लस पोलेस कॉम्पैक्ट पाउडर का रिव्यू एंड डेमो देखने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिलो टॉक। तो मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, मतलब दिमाग में डाल दीजिए, थिंग्स टू ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें पहली है कि द पास्ट कैनॉट बी चेंज। मैं खुद भी ये गलती करती हूँ और मैं अपने पास्ट में चली जाती हूँ और सोचती हूँ हाँ तब कितना अच्छा था, हाँ ये कितना अच्छा था, वो ये कितना अच्छा था, तो ना वो सोच सोच के हम दुखी दुखी कहीं पर रहते हैं। जो चीज़ चली गई है वो तो चली गई है, वो अभी आ नहीं सकती है, तो वो चाहे अच्छी चीज़ थी या चाहे बुरी चीज़ थी, तो पास्ट में मत रहिए, जो गया वो गया, उससे सीख कर अभी आप करंटली क्या कर सकते हो या फ्यूचर आप कैसे चेंज कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। सेकेंड जो आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है वो है कि ओपिनियंस डोंट डिफाइन योर रियलिटी। किसी और के ओपिनियन, किसी और का कोई मत है मेरे लिए कि हाँ मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बोल देती हूँ मुंह पे जो भी है, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, तो लोगों को लगता है तुम तो कितनी एरोगेंट हो, अरे तुम तो बहुत ही घमंडी हो, तुम तो बहुत ही रूड हो। तो लोग अपने हिसाब से जैसी जिसकी सोच, जितना जिनका थिंकिंग है, जितनी जिनकी लिमिट है, वो उतना सोच के आपको कुछ जजमेंट दे देंगे और आपको कुछ कमेंट दे देंगे, उनका ओपिनियन दे देंगे। तो मैं घमंडी नहीं हो जाऊंगी, ना ही मैं रूड हो जाऊंगी, मैंने मेरी कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई है, मैं उससे नीचे नहीं गिरती हूँ कभी। अब आपको लगता है कि अब घमंडी हो, मतलब आपके हिसाब से मैं घमंडी हूँ, तो ठीक है, मैं आपका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरे में क्या प्लस है, क्या माइनस है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जितना कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रखेंगे उतना लोगों के ओपिनियंस का आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉडी शेम मैं भी होती हूँ, कलर शेम मैं भी होती हूँ। मेरी जब एज एन RJ पहली जॉब लगी थी तब मेरा 18,000 की सैलरी थी, 2007 की मैं बात कर रही हूँ, और मेरे घर के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत ही कम है ये सैलरी, तो उनके ओपिनियन से मेरी लाइफ ना ही चली थी और ना ही आज चल रही है। तो शायद ऐसा होता है कि आपके बहुत करीबी लोग होते हैं वो भी आपसे जलते हैं, तो इग्नोर कीजिए लोगों के ओपिनियंस को। एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट, ये बात हम शायद भूल जाते हैं, जो बार बार हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है। हम ना हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं कि मतलब जैसे घर में दो बहनें हैं, दो भाई है, देवरानी जेठानी है, माँ बेटी है, भाभी ननद है, फ्रेंड्स है, कुलीग्स है, तो आप ना कंपेयर मत कीजिए। लाइक दो यूट्यूबर्स है, ऐसा होता है कि मुझे ना फटाफट मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर या मैं 1,25,000 तक पहुंच गई, लेकिन अब मेरी चैनल पे एक साल से पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और ऊपर से मेरे सब्सक्राइबर्स माइनस हो रहे हैं। तो अगर मैं किसी और के साथ कंपैरिजन करूं, अरे मुझे जब सिल्वर बटन मिला था हाय ये तो कहाँ थी, अरे ये तो मिलियन पे पहुँच गई, हाय मैं कहाँ हूँ, भाई उसकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी जर्नी डिफरेंट है, तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस, हम ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब पिछले कुछ समय में 500-600 सब्सक्राइबर्स मेरे माइनस चले गए हैं और अभी भी माइनस ही जा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर मेरा गेन नहीं हो रहा है। तो मैं अगर सोचूंगी हाय मुझे तो 1,24,000 पे जाना था, अरे ये तो 1,23,000 पे है, 1,23,400 पे है, वो अभी 300 पे हो गए हैं, वो क्या होगा धीरे धीरे, अब ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं,
अरे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दे रहा है, अरे मेरे से सब बार्टर ही कर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अरे फिर क्या होगा, तो ये मैं जितना सोचूंगी उतना सैड ही होती जाऊंगी। लेकिन आप देखो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है सवा साल से, ट्रस्ट मी, मार्च 2020 से आज तक देखो। तो मैं रेगुलरली वीडियोस बना रही हूँ, मैं वही एनर्जी के साथ, वही क्वालिटी के साथ वीडियोस पहले बनाती थी, बिल्कुल अभी भी, आज भी वही बनाती हूँ, वही मेहनत करती हूँ। आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग ज़रूर से लाएगी। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, और अब क्या होगा, फिर आप दुखी हो जाओगे और आपकी ही क्वालिटी पे, आपके ही काम पे वो असर करता है, तो वो मत होने दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा आप याद रखना, इफ़ यू कांट बी काइंड एटलीस्ट डोंट बी अनकाइंड। आप किसी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप किसी को कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट नेगेटिविटी ना दीजिए। उनको आप कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम भी मत दीजिए, ये बात हमेशा याद रखना। फेलियर विल ओनली बी फाइनल इफ़ यू क्विट। करते जाओ काम, करते जाओ, मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ, मैं काम करती जा रही हूँ, आज नहीं तो कल डेफिनेटली मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो मैं फेलियर नहीं हूँ, अगर मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ तो शायद होगा कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, लेकिन हमेशा यू नो ऐसे ऐसे ग्राफ जाता है, फिर कहीं ये भी जाता है, फिर नीचे गया है, फिर क्या ऑप्शन है, अब तो ऊपर ही जाना है ना। तो आपको पता ही है कि फेलियर है, तो अब इसके बाद क्या होगा, जब रात है अंधेरा है उसके बाद क्या होगा, हम सबको पता ही है कि दिन होगा, उजाला होगा, अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप याद रखो, प्लीज़ इसे भूलना मत, और यहाँ से जितना स्ट्रांग रहोगे उतना लोग आपको कम पुट डाउन करेंगे और आप आगे ही बढ़ते जाओगे। ये लिख लो, ट्रस्ट मी, मैं जितनी इमोशनली वीक थी, शायद अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप में से कोई नहीं होगा, वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इतनी बैडेस बिंदास हो चुकी हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ यही राज है कि पॉजिटिव रहो, अपने आप को हमेशा बिजी रखो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को स्वीकार करो। कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कभी मत नीचे आने देना, आज है उससे कल ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि लोग तो दुनिया है ही पूरी जो को नीचे गिराने में लगी है लेकिन आपके हाथ में है कि आपको नीचे गिरना है या आपको हमेशा ऊपर उठते रहना है। तो आई होप कि ये मेरा पिलो टॉक आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भेजिए यार, एटलीस्ट कमेंट आप करोगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये वीडियो आगे दिखाने लायक है, तो शायद मेरा ग्रोथ हो सकता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।